हालेलुया। मेरी मम्मी को 4 साल से किडनी में प्रॉब्लम थी, प्रोटीन ज्यादा निकल रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बोला जब तक जिंदी रहेगी तब तक दवाई खाएगी, 2-4 साल दवाई का असर होगा, ज्यादा से ज्यादा फिर दवाई का असर भी नहीं होगा। और यहाँ पे आके मेरी मम्मी ने प्रार्थना करवाई, अब मेरी मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल है, मेरी मम्मी ठीक है। हालेलुया। चार साल से किडनी में दिक्कत थी आपकी मम्मी को, तो डॉक्टर क्या बोल, ये प्रोटीन निकलता था किडनी के अंदर से, और डॉक्टर क्या बोल, ये चार पाई पर ही पड़े रहते थे। यहाँ पे लिखा है कि यही चार पाई पर ही रहते थे, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, सूजन रहता था ज्यादा, और पैरों में सूजन रहता था, और चार पाई पर ही रहते थे, और टॉयलेट में ज्यादा झागा आते थे, प्रोटीन निकलता था ज्यादा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, 5.5 था, नॉर्मल इंसान का 1.1 क्रिएटिनिन होता है, और इनका बड़ा हुआ था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि जब तक ये जिंदा रहेगी तब तक दवाई खाएगी, तब तक ये दवाई खानी ही पड़ेगी, इनको खानी पड़ेगी, और ज्यादा ज्यादा दवाई 2-4 साल इलाज होगा, ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस होने लग जाएगी। अब रिपोर्ट नॉर्मल है। अब आपने रिपोर्ट करवाई है, तो आप यहाँ पे चमत्कार चर्च में आए, आपको किसी ने बताया, आप उनके साथ यहाँ पे चमत्कार चर्च में आए, और परमेश्वर के दास ने आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना की, और उसके बाद यह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। और रिपोर्ट करवाई है, रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बिल्कुल नॉर्मल है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, तारीफ करें, हले लुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, हले लुया, महिमा करे परमेश्वर की। ये बड़ी गवाही है। डॉक्टर बोल रहे थे कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक आपको दवाई मेडिसिन खानी पड़ेगी। अब आप मेडिसिन छोड़ दी जो किडनी की चलती थी, किडनी की दवाई नहीं लेती, वो अब नहीं लेते, बंद होगी, बंद कर दी। देखिए, और ये चार पाई पर ही रहते थे, वहीं पर इनका खाना पीना होता था, ये चल फिर नहीं सकते थे। देखिए, अब ये हरियाणा से आए हैं, इन्होंने सफर भी किया और इनके पांव भी सूज जाते थे, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, हरियाणा से आए हैं, इन्होंने सफर भी किया, यहाँ से भी चल के आए हैं, सीढ़ियां भी चले हैं, और ये अब इनके पैरों में कोई सूजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्टें करवाई, रिपोर्टें नॉर्मल आई है, जो इनकी दवाई चलती थी वो भी बंद होगी। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया, अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो पहला पास्टर जी नूं मैं जय मसीह दी, सारी प्यारी सत्संग नूं मेरे वल्लों जय मसीह दी। ए जी पड़ोसियों की कुड़ी है, इनू साह की बहुत ज्यादा दिक्कत सी और खांसी दी। उन्हां नूं मैं कहा तुसीं मेरे नाल चर्च च गल दिओ, कहिंदा यार डाक्टरां नूं बहुत विखाया, नहीं इहनूं आराम आया। मैं कहा यार तूं मेरे नाल भेज दे, की इहदा कोई लगदा पिया। उहने मेरे नाल पिछले एतवार भेजिया, इहनूं आराम आ गया, ये बिल्कुल बहुत वधिया है। पास्टर जी तूं सारिआं वल्लों हालेलुया, हालेलुया। 1.5 साल से इसको की सांस लेने में दिक्कत थी। हाँ जी, सांस की बीमारी सी की, मान लो सांस की बीमारी थी, खांसी और सांस की इसको बहुत ज्यादा दिक्कत थी। डॉक्टरों से दवाइयां भी ली थी लेकिन कोई आराम नहीं आया, तो इनके मम्मी पापा कहते थे हमने दवाइयां ली है, बहुत जगह गए लेकिन कोई आराम नहीं आया, नहीं आया। लेकिन आप इनको अपने साथ लेके आए, और उसके बाद परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब सांस लेने में जिनको सांस चढ़ता था, सांस फूलता था, अब ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए। ये बच्ची बता रही है कि इनको सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 साल से इन्होंने दवाइयां ली, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं आया, या चलते थे या दौड़ते थे तो सांस फूल जाती थी, दिक्कत आती थी। तो जैसे ही ये चमत्कार चर्च में लेके आए, इनका विश्वास था लेकिन इनके मम्मी डैडी ने कहा आप इनको लेके जाओ, ये लेके आए, परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद अब ये बिल्कुल बीमारी से आजाद है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। सबनु जय मसीह जी। मेरी बेटी दे कोई घर नहीं सीगा, कोई जमीन नहीं सीगी, और दे नाम पई सीगी सारी जमीन, हुण पक्का घर भी बन गया, जमीन भी बन गई, पैड़ी देती उन्होंने सब कुछ, परमेश्वर ने तन कर बहुत करती। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ ਕਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਥਾ,
हाँ कच्चा सा। कितने सालों से? 11 साल हो गए थे यही नहीं। 11 साल हो गए थे शादी हुई को तो, और मकान कच्चा था। कोई जायदाद नहीं सी, कोई घर नहीं सी, लोगों ने ना सी जायदाद। और उसके बाद आपने चमत्कार चर्च में आके परमेश्वर के दास से प्रार्थना लगातार करवाते रहे और अब मकान पक्का बन गया है। लगातार प्रार्थना करवाती रही मैं, आप प्रार्थना करती रही परमेश्वर जी। अब आपका मकान पक्का बन गया बेटी का? पक्का बन गया, मकान बन गया, जय जाति बन गई आपकी। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मुझे 15-20 दिनों से लगातार बुखार हो रहा था और मैं 2-3 डॉक्टर भी मैंने बदले लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरे सिर में भी बहुत दर्द होता था, मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर सकती थी, बस बेड पर लेटी रहती थी और ना खाना खाती थी और मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। और फिर मैंने मेरे पति ने और हमारे घर के सब लोगों ने बिशप जी से प्रार्थना करवाई और बुधवार को मैं वहाँ पे चर्च में गई और वहाँ मेरे लिए प्रेयर हुई और गुरुवार को भी मैं चर्च में गई और वहाँ प्रेयर हुई। उसके बाद मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया।